मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आखिरी दौर में राजनीतिक दलों की निगाहें मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर टिका दी है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। सोमवार को पीएम मोदी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रही और रोड शो किया। आज कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में सभा करने नीमच पहुंचे और राहुल ने सभा को संबोधित करते हुए कर्ज माफी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि शिवराज कहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन हमने उनके 2 रिश्तेदारों का कर्ज माफ किया है। राहुल गांधी ने मंच पर कमलनाथ को बुलाया और कर्ज माफी के दस्तावेज मांगे। राहुल गांधी ने मंच से दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि ये देखिए, शिवराज सिंह चौहान के भाई का कर्ज माफ हुआ है। इस दौरान राहुल ने शहीदों और गोलीकांड का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया। राहुल ने कहा कि मंदसौर के किसानों पर गोली चली थी, मुझे बुलाया था, मैं आया भी था। हमने घोषणा पत्र में लिख दिया है कि मंदसौर, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा न लौटाने के लिए 2019 के चुनाव के बाद कर्जा न लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा। किसानों से मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। आप याद रखिए, मैं बात भूलता नहीं हूं, आप याद रखिए, आपने मुझे यहां बुलाया था। जब आप पर गोली चली थी आपने मुझे बुलाया था और आपने कहा था कि देखिए हमारी मदद कीजिए। यहां पे कमलनाथ जी, बघेल जी सबूत बैठे हैं, कर्जा माफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होगा, मगर मैं मंदसौर के किसानों की याद में एक और चीज करना चाहता हूं। ऐतिहासिक काम जो किसी भी सरकार ने पहले नहीं किया है। मैनिफेस्टो में हमने लिख दिया है, आपको बहुत खुशी होगी, और यह आपके लिए किया गया है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेता है, लंदन में जीता है, जेल में तो नहीं है ना। विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, जेल में तो नहीं है ना। कर्जा लिया, चोरी किया, भाग गए, अनिल अंबानी का जेल में नहीं है। मगर अगर मंदसौर का किसान 20,000 रुपए कर्जा ले और बैंक को वापस ना दे तो नरेंद्र मोदी उस पर गोली चलाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। ये आपको सही लगता है क्या? आपको ठीक लगता है कि 20,000 रुपए के लिए व्यक्ति पर गोली चलाई जाए, उसे जेल में डाला जाए, उसे ये मालूम नहीं, उसके खून पसीने का अपमान करा जाए और एक चोर को 35,000 करोड़ रुपए देकर लंदन भिजवाया जाए? नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स और 5,55,000 करोड़ रुपए का जो अन्याय हुआ था उसको ठीक करने की योजना है, न्याय योजना इसको नाम दिया। नरेंद्र मोदी कहते हैं पैसा कहां से आएगा? एकदम हमने पहले कर्जा माफी की बात की, कहते हैं कहां पैसा कहां से आएगा, हमने दिखा 72,000 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार थी, हमने दिखा, कमलनाथ जी ने, बघेल जी ने दिखा, पैसे की कोई कमी नहीं है। मोदी जी सुन लीजिए, सबसे पहले मैं अनिल अंबानी की जेब में से पैसा निकाल के दूंगा, वो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे नीरव मोदी, मैं हूं चौकसी एजेंट आपके मित्रों की, वो दूसरे नंबर पे है। उनसे मैं पैसा निकाल निकाल कर, कांग्रेस पार्टी निकाल निकाल कर न्याय योजना में डाले। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चौकीदार ने नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए बैंक का पैसा दिया। नीरव मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया हिंदुस्तान में? कितनों को दिया? जितना मध्य प्रदेश का छोटा सा बिजनेस जितने लोगों को रोजगार देता है उससे कम रोजगार नीरव मोदी ने पैदा किया, मगर उसको
35,000 करोड़ रुपए है, और जो मध्य प्रदेश में छोटा बिजनेस चलाता है उसको 5 रुपए नहीं दिए, उसका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं। यह अन्याय है और इसको हम ठीक करेंगे। नुकसान होगा तो आपको इतना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। पूरा का पूरा साल की शुरुआत में ही नीमच मंदसौर मध्य प्रदेश के किसानों को हिंदुस्तान की सरकार बता देगी, दूध का दूध पानी का पानी। लाइव चल रहा ना एनआईसी, हम भूलते नहीं है, खोखले वायदे नहीं करते हैं। आपने मुझे यहां उस दिन बुलाया, दुख के समय में आया, गरम गरम हो रहा, दर्द के समय में आया, और मैंने आपकी बात सुनी, आपकी मुश्किलें समझी, और इसीलिए कमलनाथ जी, बघेल जी और गहलोत जी ने आपका कर्जा माफ किया। मैसेज आपने दिया भाई और बहन, बात हमने सुनी, मालिक आप हो, आपने ऑर्डर दिया, बात हमने सुनी। हम मालिक नहीं है, हम नरेंद्र मोदी नहीं है, हम आपको आम खिलाना नहीं सिखाएंगे, कभी नहीं सिखाएंगे, आपसे सीखते हैं हम, आप हमें सिखाते हो, ज्ञान आप में। एक और उदाहरण, आखिरी उदाहरण देता हूं, युवाओं से हमने पूछा बेरोजगारी का समय बताइए क्या करा जा सकता है, कहते देखिए जब भी कोई युवा बिजनेस खोलना चाहता है, मध्य प्रदेश का कोई युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, हमें सरकार के डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, एक के बाद एक डिपार्टमेंट में जाओ, दूसरे में जाओ, तीसरे में, चौथे में, परमिशन लो, 6-7 महीने लगते हैं, कुछ नहीं होता, 6-7 महीने बाद पता लगता है, फॉर्म भर दी, परमिशन मिल गया, मगर बिजनेस चलाने के लिए पैसे नहीं बचे, परमिशन लेते में लेने में पैसे निकल गए। आपने कहा इसके बारे में कुछ कीजिए, हमने कर दिया मैनिफेस्टो में एक लाइन, मंदसौर नीमच का कोई भी युवा अगर बिजनेस चालू करना चाहता है, मध्य प्रदेश का कोई युवा, हिंदुस्तान का कोई युवा बिजनेस चालू करता है, करना चाहता है, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, बिना परमिशन बिजनेस चालू करो, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाओ, युवाओं को रोजगार दिलवाओ, देख लेना। जैसे हमने मध्य प्रदेश में किया, जैसे हमने शिवराज चौहान जी के परिवार का कर्जा माफ किया, वैसे हम 360,000 रुपए 5 साल का दे के दिखा देंगे। अब यहां मीनाक्षी जी है, कहां गायब हो गए, आइए मीनाक्षी जी को आपने जिताना है। 2-3 कारण है, एक ये दिल से आपके लिए काम करती है और दिन भर काम करती है, 3 घंटे से ज्यादा सोती है, मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, ये थोड़ी ज्यादा सोती है, 4-5 घंटे सोती है, पता नहीं कितने घंटे सोती है, होना चाहिए 5 घंटे सोती है, 6 घंटे सोती है, मगर दिल से काम करती है, झूठ नहीं बोलती है। दूसरी बात न्याय योजना के लिए मीनाक्षी जी को लोकसभा में बटन दबाना है, तो आप पूरा समर्थन दीजिए और मीनाक्षी को भारी बहुमत से जिताइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आभार के लिए मंदसौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश जी बताए। हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, मंदसौर के किसानों आप अच्छी तरह सुनिए, मंदसौर का कोई भी किसान, मध्य प्रदेश का कोई भी किसान, हिंदुस्तान का कोई भी किसान, कर्जा ना लौटाने के लिए 2019 के चुनाव के बाद जेल में नहीं डाला जा सकेगा। और हम वहां नहीं रुके, मंदसौर के किसान पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा में 2 बजट पेश होंगे, एक नहीं होगा, 2 होंगे। पहला बजट
किसानों का बजट होगा। पहला बजट उसमें नीमच के किसानों को, मंदसौर के किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को साल की शुरुआत में ही बता दिया जाएगा। इस प्रकार का काम आपकी सरकार करने जा रही है आपके लिए। इतना पैसा आपके लिए दिया जाएगा, आपकी MSP इतनी बढ़ाई जाएगी, स्पाइसेस के लिए आपके लिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, इस प्रकार का काम किया जाएगा। मंदसौर के युवा ले सकते हैं, रोजगार पैदा करो, 3 साल बाद आना सरकार के पास, आना डिपार्टमेंट में, आना कहना भैया परमिशन चाहिए, 3 साल पहले हमने बिजनेस चालू किया था, 30-40 लोग काम करते हैं मेरे साथ, मजबूत बिजनेस है, अब मैं 2 मिनट में परमिशन ले सकता हूं, चलो परमिशन, आपकी बात सुनी हमने, मन की बात नहीं करते हम, कर्जा माफी मेरी मन की बात नहीं थी, कमलनाथ की मन की बात नहीं थी, कर्जा माफी आपके मन की बात थी, सीधी बात है। यहां पे CRPF का सेंटर है, यहां पे CRPF का सेंटर है, मोदी जी आए, पुलवामा में CRPF के लोग शहीद हुए, मगर नरेंद्र मोदी ने यहां आकर CRPF के लोगों की आवाज नहीं सुनी। हम सुनते हैं पैरामिलिट्री के लोगों से, CRPF, BSF, ITBP के लोगों से हमने बात की, उनसे पूछा भैया बताइए आप लड़ते हो, शहीद होते हो, हम आपके लिए क्या करें। पैरामिलिट्री के लोगों ने हमें कहा राहुल जी आपने ये बात बोली तो हम होते शहीद हैं, मगर शहीद का दर्जा हमें नहीं मिलता, ये शहीद का दर्जा दे। हमने कहा ठीक है, आपने कहा हम करेंगे, CRPF, BSF, ITBP सब पैरामिलिट्री फोर्सेस को 2019 के बाद शहीद का दर्जा मिलेगा। देखिए हम सब कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा देखिए 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, 1 साल में हम आपके हवाले कर रहे हैं, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को हम पंचायतों में रोजगार दे, न्याय योजना हम कर सकते हैं, 15 लाख नहीं दे सकते, नहीं करेंगे, मर जाएंगे मगर 15 लाख नहीं देंगे, क्यों, नुकसान हो जाएगा। न्यूज मीडिया टुडे के लिए नीमच मध्य प्रदेश से असलम खान की रिपोर्ट।